हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ, अगर आपकी माउथ के अराउंड डार्क पैचेस हो गई हो, या फिर इस एरिया पे हो गया हो, या फिर टैनिंग हो गया हो, या फिर इस एरिया पे आईज के कॉर्नर में डार्क पैचेस हो जाती हो। बहुत लोगों का ऐसा होता है ड्यू टू, अगर आप स्किन लाइटनिंग स्किन वाइटनिंग वाली चीज़ें जब आप इस्तेमाल करते हो तो आपका जो स्किन है पूरा पिलिंग होता है, बट ये सारे एरिया जो है ना वो रह जाती है, और जिसकी वजह से आपको इस एरिया पे डार्क पैचेस हो जाता है या फिर इस एरिया पे हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, या फिर अगर आपके फेस पे कहीं कहीं डार्क पैचेस है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, या फिर हल्का फुल्का टैनिंग है तो या चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसमें आपको क्लिक करना है एंड उसके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसमें प्रेस कर जरूर करना ताकि मैं जो भी वीडियोज डालू सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। ओके गाइज, तो जिस क्रीम की मैं बात कर रही थी वो है ये कोस वेट क्रीम। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोबेटासोल क्रीम आईपी। इसमें जो मिलाया गया है वो है क्लोबेटासोल, और मैं आपको बता दूँ क्लोबेटासोल का क्या काम है। वो हमारी इचनेस, स्वेलिंग, इरिटेशन, रेडनेस को बहुत अच्छे से कम करता है। ये बेसिकली उसी के लिए बनाया गया है, बट गाइस आप इसको डार्क पैचेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये डार्क पैचेस में भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, या फिर थोड़े बहुत टैनिंग में भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो ये जो क्रीम है आपको कुछ इस तरीके का पैकेजिंग में आता है, आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे सारे कुछ डिस्क्लेमर वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, और ये जो ब्रांड है कॉल्ड एक्नेट हेल्थ केयर, ठीक है, इसका जो ब्रांड का नाम है। अगर मैं इसके इनर पैकेजिंग की बात करूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके का आपको यू नो प्रोडक्ट रिसीव होगा। सो कुछ इस तरीके का है ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज वेट क्रीम, ठीक है। तो बिल्कुल ट्यूब में आता है, और इसका अगर मैं कंसिस्टेंसी आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो आपको हल्का सा इसको लेकर के यू नो अप्लाई करना रहता है। इसका जो प्राइस आपको पड़ेगा, मैं आपको बता देती हूँ, उसका जो प्राइस है वो 123 रुपीज़ है, बट आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। इसके में आपको क्वांटिटी मिलेगा 30 ग्राम, जो कि बहुत लॉन्ग टाइम तक आपका चल जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ इसको आपको कैसे यूज करना है। गाइस, जब भी आपको ऐसा लगता हो कि आपकी टैनिंग आ रही है, टैनिंग तभी आती है जब आप बाहर जाते हो, सनरेज में जाते हो, डायरेक्ट सन से आपका कांटेक्ट होता है, उस टाइम पे आपको टैनिंग आ जाती है। और टैनिंग में आपको बता दूं यही एरिया होता है टैनिंग का जहां पे आपको टैनिंग आती है, या फिर आपको कभी कल डार्क पैचेस आ जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको लगानी है, 2-3 दिन के अंदर ही ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा, और इसको आपको स्किप कर देनी है। देखो, टैनिंग और डार्क पैचेस जो है ना वो आपको कभी काल आता है, ऐसा नहीं है कि आपको यू नो वीकली आएगा या फिर मंथली आएगा। ये तभी होता है जब आप धूप में जाते हो, ज्यादा आपको यू नो सनरेज में जाना हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे जो है ये आ जाती है। बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा आती है, कभी काल आ जाती है। सो उस टाइम पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और डार्क पैचेस और जो ये टैनिंग होता है ना वो बहुत ज़्यादा खराब लगता है फेस पे, पूरा फेस अगर आपका क्लियर लगेगा और अगर आपको कहीं पर डार्क पैचेस दिख रहा है तो वो बहुत बहुत ज़्यादा खराब लगता है, ठीक है। तो ये जो है ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको सभी क्लोबेटासोल वाला यू नो क्रीम इस्तेमाल करोगे तो भी वर्क करेगा, अगर आप ये वाला क्रीम इस्तेमाल करोगे तो भी वर्क करेगा, ठीक है। ये 2-3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और जैसे ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा आप इसको स्किप कर सकते हो। बहुत लोगों का क्या होता है, ये एरिया बहुत ज़्यादा डार्क होता है, लाइक फेस के अकॉर्डिंग ये जो एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है, तो उस टाइम भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पूरे फेस में नहीं अप्लाई करना है। मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो तो पूरे फेस में नहीं अप्लाई करना है, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है वहीं पर इस्तेमाल करना, ठीक है। तो अगर आपको ये एरिया पर हुई हो तो आपको यही एरिया पर लगा कर सो जाना है, और अगर आपको ये एरिया पे हुई हो तो आपको यही एरिया पे लगा के सो जाना है, पूरे फेस में नहीं लगाना, ठीक है। मैं आपको बता दूं उसका एक ट्रिक है लगाने का, ताकि आपको तुरंत रिजल्ट मिले। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है नॉर्मल फेस वॉश से। उसके बाद आपको थोड़ा सा लाइक इतना सा आपको क्वांटिटी लेना है, और लेने के बाद जैसे कि मान लो आपका ये एरिया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इतना लेना है, लाइक इतना थोड़ा सा आपको लेना है, और लेने के बाद आपको अच्छे से वो एरिया पे एटलीस्ट फॉर 2-3 सेकंड के लिए आपको इस तरीके से लगानी है, ठीक है। जैसे ही ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा ज्यादा आपको लेनी है, उससे थोड़ा सा ज्यादा, और लेकर के इस तरीके से लगा करके मिलाना नहीं है, बस छोड़ देना है, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप लगाओगे तो आपको बहुत अच्छा और बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये एक
ट्रिक है जो कि मैं भी कभी काल फॉलो करती हूँ, ठीक है। आपको पता होगा कि मेरी डार्क पैचेस तो आती रहती है, या फिर टैनिंग की अगर बात करो तो आती रहती है, तो उस टाइम पे मैं जो है इस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। ये जो है बेस्ट ऑप्शन है और नो साइड इफेक्ट है। 2-3 दिन के अंदर आपको जो डार्क पैचेस है या फिर टैनिंग हो गई है उसको धीरे धीरे करके रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा नहीं करना है कि आपको रेगुलरली यूज करना ताकि आपको टैनिंग ना आए, ऐसा नहीं करना है। जब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी टैनिंग आ गई है, आप फेस देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपकी टैनिंग आई है या नहीं, ठीक है। तो आपको लगा करके, और इसको मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग डे नहीं, नाइट में ही इस्तेमाल करना है, सोने से पहले। इसको यूज करने के साथ आपको कुछ भी नहीं यूज करना है, इवन मॉइस्चराइजर भी नहीं यूज करना है, जस्ट फेस वॉश करना है, इसको लगाना है, सो जाना, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल एरिया पे इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको इस एरिया पे छोड़ करके पूरे एरिया पे मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकते हो, बट वो एरिया पे नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से आप इस्तेमाल करो, आपके डार्क पैचेस या फिर टैनिंग एकदम चुटकियों में हट जाएगी, 2-3 दिन के अंदर ही बिल्कुल गायब हो जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छा क्रीम है, मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूंगी। बहुत लोगों को कमेंट आ रहा था कि दी माउथ के एरिया पे मेरा बहुत ज़्यादा डार्क पैचेस आ गया, ठीक है। तो वो आप उस टाइम पे इसका इस्तेमाल करो, आपको बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप एक चीज़ और कर सकते हो, बहुत लोगों के हैंड पे मैं देखती हूँ ये एरिया जो होता है ना, बहुत लोगों ने कॉमेंट किया है, मैं आपको बता दूँ ये एरिया जो होता है ना बहुत ज्यादा डार्क होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी आपको यही एरिया पे लगा के छोड़ देनी है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत लोगों के नेक एरिया पे भी डार्क पैचेस होता है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, तो ये एरिया पे आपको लगा करके सो जानी है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, और ये ऑल्सो इचनेस रेडनेस स्वेलिंग के लिए भी यूज किया जाता है, मैं आपको बता दूं पहले, ठीक है। तो अगर आपको इचनेस इरिटेशन रेडनेस है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छा है, सेफेस्ट साइड में है। सो यही आज का वीडियो है, एंड आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसमें आपको क्लिक करना, एंड उसके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, सॉरी, उसमें जरूर प्रेस करना ताकि मैं जो भी वीडियोस डालू सबसे पहले आप तक पहुंचे, गाइस सबसे पहले आप देख पाओ। चलिए मैं तो अगली वीडियो में, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, तो प्लीज शेयर जरूर कर देना। चलिए मैं तो अगली वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय। एंड अगर आपको कोई भी चीज पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बाय।